कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और फेज टू अपना कहर बरपा रहा है। लगातार लोगों की मरने की संख्या हो या कोरोना मरीज संक्रमितों को उनसे पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो, लगातार इजाफा हो रहा है। अभी आप हम मौजूद हैं सहरसा जिला मुख्यालय के थाना चौक पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे दर्जनों से अधिक पुलिस बल मौजूद हैं, यहाँ पे अधिकारी मौजूद हैं, सदर SDO मौजूद हैं, सदर SDPO मौजूद है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि लॉकडाउन को का पालन करें और सख्ती बनाने के लिए यहाँ अधिकारी सड़क पे यहाँ उतरे हुए हैं और लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। हम यहाँ जानना चाहेंगे सर, किस तरह से लॉकडाउन का यहाँ पालन करवाया जा रहा है? राज्य सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन के लिए जो राज निर्धारित मापदंड है उसका पूरा पूरी अनुपालन हो रहा है। जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा जो भी दुकान खुला 11 बजे तक खुलने का टाइम दिया गया था वही दुकान केवल खुला हुआ था, से सभी दुकानें बंद हो गया था। उसके बाद जो जिसको अत्यावश्यक कार्य है जैसे कुछ मेडिकल से संबंधित काम है वही केवल उसी को हम लोग आना जाना करते हैं, या जिसको कुछ अत्यावश्यक कारण से जिला प्रशासन के द्वारा पास निर्गत हुआ है। लॉकडाउन का पूरी तरह अनुपालन हो रहा है और कार्रवाई की जा रही है। पब्लिक से सर क्या अपील करना चाहिए? पब्लिक से यही अपील है कि जो जब तक कोई अर्जेंट काम ना हो घर से बाहर नहीं निकलें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित करें, मास्क का उपयोग जरूर करें और लॉकडाउन का पालन करें। यहाँ पे लगातार अधिकारी बता रहे हैं सदर SDO थे कि घर में रहें, बेवजह घर से नहीं निकले। यहाँ पे सदर SDPO भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे सर किस तरह से लॉकडाउन का पालन कर पा रहे हैं? लॉकडाउन के पालन तो हम लोग करवा ही रहे हैं, जो भी अननेसेसरी घूम रहे हैं उन सभी लोगों को हम लोग रोक रहे हैं, समझा रहे हैं कि इस तरीके से आप लोग बेवजह बाजार में ना घूमें क्योंकि कोरोना फैली हुई है। अधिकारी बता रहे हैं बेवजह घर से बाहर नहीं निकले। यहाँ पे अधिकारी सड़क पे उतरे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि कोरोना का संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है, अब घर में रहें, बेवजह घर से नहीं निकले। यहाँ पे थाना चौक का ये नज़ारा है, यहाँ पे दर्जनों से अधिक पुलिस बल तैनात है और सख्ती भी बढ़ती जा रही है क्योंकि पिछले दिन देखा जा रहा था कि बेवजह भी लोग घर से बाहर निकल रहे थे। और नजरिया न्यूज़ भी लोगों से अपील करता है बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें क्योंकि कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, फेज टू लोगों की जान ले रहा है। तो लगातार नजरिया न्यूज की भी अपील है। नजरिया न्यूज से मोहम्मद अजरुद्दीन, सहरसा।